नमस्कार दोस्तों, कैसा हैं आप लोग। मैं हूं प्रिंस राज और बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके इस अपने यूट्यूब चैनल प्रीटेक सपोर्ट पे। तो गाइज, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 5 एप्लीकेशन के बारे में जो कि एक न्यू यूट्यूबर के फ़ोन में होने चाहिए। और फ़र्क नहीं पड़ता कि आप यूट्यूबर न्यू हैं, कोई भी यूट्यूबर उनके फ़ोन में होना ही चाहिए। जो लोग YouTube पे अच्छा खासा ग्रो कर गए हैं वो तो जानते हैं, लेकिन जो नए यूट्यूबर है वो कहीं ना कहीं कोई चीज़ मिस कर देते हैं उनके फ़ोन में, सही एप्लीकेशन नहीं होने के कारण उनका जो वीडियो है वो ग्रो नहीं करता है, चैनल ग्रो नहीं करता। तो सबसे पहला एप्लीकेशन जो है दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। दोस्तों जो सबसे पहला एप्लीकेशन है वो है YTA स्टूडियो। यहाँ दोस्तों YTA स्टूडियो एक ऐसा एप्लीकेशन है ना जिसके बगैर तो आप यूट्यूब पर सही से काम ही नहीं कर पाओगे। या तो डिस्क्रिप्शन लिखना हो, या तो टैग लगाना हो, या जो भी करना हो, आपको किसी का कमेंट का रिप्लाई करना हो, आपके चैनल का ओवरव्यू देखना हो, एनालिटिक्स देखना हो, जो भी करना हो, रेवेन्यू देखना हो, वो यहाँ से ही हो पाता है, ठीक है। क्योंकि YouTube से रिलेटेड सारी जानकारी है, YouTube की तरफ से ही एप्लीकेशन है, तो YouTube का जो सारा जानकारी है ना वो YTA स्टूडियो में ही मिलेगा। और जो दूसरा एप्लीकेशन है वो है TubeBuddy। ये TubeBuddy भी प्ले स्टोर पर, ये मैं जितनी सारी एप्लीकेशन आपको बता रहा हूँ ये कोई थर्ड पार्टी का एप्लीकेशन नहीं है जो कि आपके डिवाइस के लिए प्राइवेसी को लेकर कोई इसमें डिफॉल्ट हो, कोई दिक्कत हो। ये जितने भी एप्लीकेशन ये सेफ हैं, ये गूगल प्ले स्टोर पे ही आपको मिल जाएंगे। जो दूसरा एप्लीकेशन वो है TubeBuddy। TubeBuddy दोस्तों एक ऐसा एप्लीकेशन है जो कि आपको YouTube चैनल को ग्रो करने में मदद कर सकता है और साथ ही आपको माइलस्टोन देते रहता है, ठीक है। जैसे आपको 5 लाख व्यू हो जाएगा तो माइलस्टोन दे देगा, कॉन्ग्रेचुलेशन करेगा। और दूसरा चीज़ कि आपके सब्सक्राइबर जैसे ही 2000 हो गए, 3000 हो गए, 2100, 2200 ऐसे हो गए तो ये माइलस्टोन देते रहता है कि आपका इतना कंप्लीट हो गया और इतना कंप्लीट होने में कितना बाकी है, ठीक है। और साथ ही अगर आप इसका प्रीमियम खरीद लेते हैं कुछ पैसा देख करके तो ये आपको कीवर्ड भी सजेस्ट करता है, जैसे कि टाइटल में हमें क्या लिखना है, आपको टैग ये सजेस्ट करेगा आपको, तो बहुत चीज़ आपको ये सजेस्ट करके मदद करेगा। और जो तीसरा एप्लीकेशन वो है YT टूल। दोस्तों यूट्यूब में बहुत सारे टूल हैं लेकिन बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता कि कौन सा टूल को कैसे सही से यूज करना। तो अगर आप YT टूल का यूज़ करते हैं तो आपको सारे टूलों के बारे में पता हो जाएगा कि YT टूल में कौन सा टूल हमको कहाँ कहाँ पर यूज़ करना है। और दोस्तों जो चौथा एप्लीकेशन है वो है PixelLab। जी हाँ दोस्तों, अब जैसा कि आपको पता होगा कि YouTube चैनल पे आप कोई वीडियो को ग्रो कराना चाहते हैं या व्यू अच्छा खासा पाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको थंबनेल बहुत अच्छे होने चाहिए। अगर आपका थंबनेल अच्छा है तभी आप कुछ कर पाएंगे, तभी आपके वीडियो पे लोग आएंगे, क्योंकि कहा जाता है कि जो दिखता है वही बिकता है। तो अगर आपका चैनल का थंबनेल ही अच्छा नहीं होगा तो आपका बहुत कम चांस रहेंगे, आपका वीडियो कितना भी अच्छा हो लेकिन अगर आप थंबनेल अट्रैक्टिव नहीं बनाते हैं तो उस पर जो है वो ट्रैफिक आएगा नहीं, वो व्यू नहीं आ पाएंगे। तो ये चौथा एप्लीकेशन था वो बहुत अच्छा एप्लीकेशन था और वो था PixelLab। और जो पांचवा एप्लीकेशन है वो है KineMaster। दोस्तों KineMaster एक ऐसा एप्लीकेशन है जो कि एक लैपटॉप की तरह आपको वीडियो एडिट करके देता है। जैसे कि आपने, अगर आपके पास लैपटॉप होगा तो आपने Adobe प्रीमियम प्रो का नाम तो सुना ही होगा, जिससे कि वीडियो एडिटिंग करते हैं, बहुत बड़े बड़े लोग भी उससे वीडियो एडिटिंग करते हैं। तो सेम वैसा ही एडिटिंग आपको KineMaster में मिल जाता है। और KineMaster कैसे डाउनलोड करते हैं, कैसे वर्क करते हैं, इसके लिए हमने एक वीडियो बना रखा, तो अगर आपने वीडियो नहीं देखा होगा तो आप वीडियो जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।